एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग यहां पर चेक करेंगे 1/4 ऑफ, ये आपका कॉमन रहेगा। इसके बाद आपको ए को लेना है, फिर इसके बाद आपको इसके साथ बी को लेना है, फिर आपको सी को लेना है, ठीक है। तो मैं ए सॉल्व करता हूं यहां पर 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ यहां से हट जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4, ठीक है, कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में करेंगे, ठीक है, 60। तो ए आपका हो गया, बी यहां पर देखेंगे 1/4 ऑफ हट जाएगा मल्टीप्लाई 3/5, यहां पर मैं देखूंगा 3 × 3 और 4 × 5 = 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आपका सी बचा हुआ है, उसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। चलिए सी देखिएगा 1/4 ऑफ हट जाएगा मल्टीप्लाई 4/3, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, ठीक। कैंसिल कैसे हुआ, एक लिया मैंने ऊपर का, एक लिया मैंने नीचे का, टेबल आपका सेम है, क्या टेबल है, 4 का, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सी भी आपका हो गया। चलिए इसको देखते हैं, पहले ए को लेता हूं मैं 1/7 ऑफ हट जाएगा मल्टीप्लाई 2/9, तो यहां पर देखिएगा कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, 2 × 2 9 × 7 = 63, तो ये आपका आंसर हो गया। बी वाले को देखूंगा मैं यहां पर, तो 1/7 ऑफ हट जाएगा मल्टीप्लाई 6/5, यहां पर भी देखिए कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 6 × 6 7 × 5 = 35, ठीक है। सी को देखेंगे, इस सी का मैं ऊपर यहां पर सॉल्व करता हूं, ठीक है, ये वाला है, तो 1/7 ये वाला ऑफ हट जाएगा मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर 3, 10 × 7 = 70, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यहां पर सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं लेकर आऊंगा, ऑल द बेस्ट।